मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के बलदेवपुरी में अवैध ऑक्सीडेशन के नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस फैक्ट्री में अवैध ऑक्सीडेशन के नकली इंजेक्शन बनाने का काला कारोबार चल रहा था। यह अवैध कारोबार करीब पिछले 6 माह से संचालित किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस माफिया पर 2015 में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन माफिया फिर से यह कारोबार करने लगा। पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि कोतवाली में नकली ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, लेकिन फैक्ट्री की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। देर रात जब स्वाट टीम को अवैध फैक्ट्री की लोकेशन की जानकारी हुई तो स्वाट टीम ने स्थानीय पुलिस, सर्विलेंस टीम और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में केमिकल, सॉल्ट, पैकिंग मशीन और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। साथ ही घटनास्थल से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो इस अवैध फैक्ट्री का संचालन एक किराए के मकान में किया जा रहा था। कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली में बलदेवपुरी के अंदर अवैध रूप से ऑक्सीटॉक्सिन के नकली इंजेक्शन बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें भारी मात्रा के अंदर नकली इंजेक्शन बनाने की जो केमिकल्स थे, उपकरण थे, उनको जब्त किया गया है। साथ ही साथ उसके साथ जो रैपर्स थे जिनसे वो लगा के उन्हें बेचा करते थे, वो जब्त किए गए हैं। इसके अंदर 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम अजय कुमार और मुकेश कुमार है।